अब ओवरहेड वेरिएंस को जब अपन देखेंगे तो ओवरहेड वेरिएंस में दो वेरिएशन आएंगे, फिक्स्ड ओवरहेड के और वेरिएबल ओवरहेड के। यहाँ फॉर्मूला सेक्शन जो है वो टोटली डिफरेंट है, वो मटेरियल, लेबर और सेल्स से बिलोंग नहीं करता, ये टोटली अलग है और ये आपको अलग से याद करने ही पड़ेंगे, इसका कोई उपाय नहीं है, ये फॉर्मूले आपको ढंग से याद करने ही पड़ेंगे, इसको आप किसी सीक्वेंस के तरीके से याद नहीं कर सकते क्योंकि इनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। सही है, तो इस वाले को तो अपन को अलग से समझना पड़ेगा और अलग से याद भी करना पड़ेगा, पिछले तीन वेरिएंट से ये टोटली अलग है तो इस पर आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके क्वेश्चन पूछने की फ्रीक्वेंसी नॉर्मली कम रहती है बट रहती है, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। तो अपन इस टॉपिक के नोट सेक्शन में पहले एंटर होते हैं, उसके बाद अपन इसके न्यूमेरिकल सेक्शन में चलेंगे। सही है, हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं वो है ओवरहेड वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ही आपका टॉपिक है। बेसिकली इसके फॉर्मूलेज जो हैं वो आपको लर्न करने पड़ेंगे, तो उनके फॉर्मूलेज के बारे में मैं डिटेल डिस्कशन जो है वो आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले कुछ एब्रीविएशंस हैं जो कि अपन को समझ लेनी चाहिए कि एब्रीविएशंस क्या कह रही हैं। पहला है BFO, दैट इज़ बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। देन है AFO, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। ये डेटा सब क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। TSC, दैट इज टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। TAC, दैट इज टोटल एक्चुअल कॉस्ट। देन BQ, बजटेड क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड इन बजटेड आवर्स। देन एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज्ड बजटेड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड रेट, बजटेड आवर्स, एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आवर एंड रिवाइज बजटेड आवर्स। इसमें कुछ चीज़ें आपको कन्वर्ट करने की है कि कैसे उनको कन्वर्ट करेंगे। जैसे TSC आपको कैलकुलेट करना है, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लें। तो अगर क्वांटिटी गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा TSC के लिए, लेकिन अगर आवर्स गिवन है यानी टाइम गिवन है तो फिर स्टैंडर्ड रेट को स्टैंडर्ड आवर्स से मल्टीप्लाई कर लें। सर ये दो क्यों है कि एक बार क्वांटिटी गिवन है और यह टाइम गिवन है? एक्चुअली क्या होता है कि जो ओवरहेड वेरिएंस है वो दो तरीकों से कैलकुलेट किए जाते हैं, एक तो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। इसीलिए कहा गया कि अगर क्वांटिटी गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा और अगर टाइम गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। एक बात और भी है कि टोटल एक्चुअल कॉस्ट और AFO यानी एक्चुअल फिक्स ओवरहेड बराबर होते हैं, यानी टोटल एक्चुअल कॉस्ट ये वाली और एक्चुअल फिक्स ओवरहेड ये वाले हमेशा बराबर होते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलेगा? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड को बजटेड क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए। स्टैंडर्ड रेट कैसे निकलेगा? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड को बजटेड क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए, यानी सेम फॉर्मूला, यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड रेट। कॉस्ट जो निकलेगा वो क्वांटिटी के रेफरेंस में कह रहा है और रेट जो कह रहा है वो टाइम के रेफरेंस में कह रहा है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकलेगी? कि ये बजटेड क्वांटिटी बजटेड आवर्स पर है तो बताओ एक्चुअल आवर्स पर कितना होगा, यानी बजटेड क्वांटिटी अपॉन बजटेड आवर्स इंटू एक्चुअल आवर्स। सर स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकलेगा? ये बजटेड आवर्स जो हैं ये बजटेड क्वांटिटी पर हैं तो एक्चुअल क्वांटिटी पे कितने होंगे, यानी बजटेड आवर डिवाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी इनटू डिवाइड बाय बजटेड क्वांटिटी इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। रिवाइज बजटेड क्वांटिटी, ये जो बजटेड क्वांटिटी है ये बजटेड डेज पर है तो बताओ एक्चुअल डेज पे कितना होगा, यानी BQ अपॉन BD इनटू AD। रिवाइज बजटेड आवर्स, यानी ये बजटेड आवर्स बजटेड डेज पर हैं तो एक्चुअल डेज पे कितने होंगे, यानी BH अपॉन BD इंटू AD। ये सब आपके कन्वर्जन है जो कि यहाँ काम आएंगे। देखो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस में बेसिकली आपके ये पांच वेरिएंस कैलकुलेट किए जाते हैं और ये पांच वेरिएंस भी दो तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ क्वान्टिटी और एक ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। क्वेश्चन में कह दिया जाएगा कि किस बेसिस पे करने हैं, अदरवाइज आपको वैसे डेटा देख के ही पता लग जाएगा कि आपको कौन से तरीके से कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। फॉर्मूला है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। देन है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरियंस। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरियंस उसका फॉर्मूला है BFO माइनस AFO, यानी बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। देन फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस, दैट इज स्टैंड कॉस्ट। अब सभी फॉर्मूले में बाहर देख रहे हैं, अब स्टैंड कॉस्ट है, अब ये वॉल्यूम वेरिएंस है तो ऊपर क्वांटिटी आ जाएगी, यानी AQ माइनस बजटेड क्वांटिटी, ठीक है ना। और यहाँ SC AQ AQ तो यही वाला है माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये अपन ने यहाँ देखा है, SQ कैसे कैलकुलेट करते हैं, BQ अपॉन BH इंटू AH। देन SC है, देन SC SQ माइनस BQ, SQ
एस क्यू तो यहाँ से आ जाएगा है ना, और ये एस क्यू आप यही वाला है जो ये कैलकुलेट करोगे माइनस बी क्यू यानी बजटेड क्वांटिटी, तो क्वेश्चन में गिवन होगी। तो ये थे ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। देन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम सेम यही चीज़ है, टोटल सेंड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, बी एफ ओ माइनस ए एफ ओ, देन एस सी की जगह यहाँ आ जाएगा एस आर, ठीक है, ए क्यू की जगह यहाँ आ रहा है स्टैंडर्ड आवर, बी क्यू की जगह आ रहा है बजटेड आवर, यानी वो फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद करने पड़ेंगे, इन फॉर्मूले में लर्निंग फैक्टर ही ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा व्हेन कैलेंडर वेरियंस इज कैलकुलेटेड देन देयर विल बी चेंज इन द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटी वेरियंस। कैपेसिटी वेरियंस कौन सा, ये वाला। अंडर दिस केस कैपेसिटी वेरियंस एंड कैलेंडर वेरियंस इज कैलकुलेटेड एज अंडर, क्या कि जब डेज की इंफॉर्मेशन होगी तो कैपेसिटी वेरियंस का फॉर्मूला ये वाला नहीं रहेगा, कैपेसिटी वेरियंस का फॉर्मूला ये वाला हो जाएगा, और जब भी डेज की इंफॉर्मेशन होगी तो कैपेसिटी वेरियंस ये वाला नहीं लग के ये वाला लगेगा, और एक एक्स्ट्रा वेरियंस कैलेंडर वेरियंस भी कैलकुलेट होगा। तो ये दोनों जो आपके फॉर्मूले हैं ये कब यूज़ होंगे, जब क्वेश्चन में डेज की इन्फॉर्मेशन दे रखी हो। तो डेज की इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो फिफ्थ नंबर का जो फॉर्मूला है वो इस फॉर्मूले से ना होकर फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरियंस यहाँ से सॉल्व होगा, ठीक है, और उसमें आर बी क्यू का यूज़ आएगा, और आर बी क्यू कैसे निकालेंगे वो अपन ने यहाँ देखा है, सही है, और एक एक्स्ट्रा वेरियंस भी निकालना पड़ेगा फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरियंस, ठीक है। तो ये कब होता है, जब डेज गिवन हो, जब क्वेश्चन में डेज की इंफॉर्मेशन गिवन हो केवल तभी ये दोनों वेरियंस जो है ना वो काम आएंगे। तो इस तरीके से ये आपके ओवरहेड वेरियंस के टोटल कंटेंट हैं जो कि अपन को ध्यान रखने हैं। फॉर्मूले आपको एक दो बार लिख के याद करने पड़ेंगे, प्लस बाकी जब आप क्वेश्चन करते रहेंगे तो धीरे धीरे ये आपको अपने आप याद हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज अपन जो टॉपिक है वो ओवरहेड वेरिएंस का टॉपिक कर रहे हैं, और ओवरहेड वेरिएंस में अपन अपनी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 16 दे रहे हैं। इसमें आपको दो डेटा दे रखे हैं, एक बजटेड और एक एक्चुअल, ठीक है, और इसमें बजटेड में नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं 20, एक्चुअल में दे रखे हैं 22, और फिक्स्ड ओवरहेड इसमें दे रखे हैं 4000, इसमें दे रखे हैं 3800, और मैन आवर इसमें 8000 पर मंथ लग रहे हैं, इसमें 8600 लग रहे हैं एक्चुअल में। स्टैंडर्ड मैन आवर पर यूनिट है आपका 10, और यहाँ है आपका यूनिट्स है एक्चुअल में 850 है। तो ये पूरा डेटा जो है वो आपको दे रखा है, इसके बेसिस पर अपन को क्वेश्चन करना है, ठीक है, देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 16 को ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, इन क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल लेना चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो आपको फॉर्मूला शीट में दिया गया है, बी एफ ओ बजटेड फिक्स ओवरहेड अपॉन बजटेड क्वांटिटी, ठीक है। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, बजटेड फिक्स ओवरहेड कितने दे रखे हैं, बजटेड फिक्स ओवरहेड आपको दे रखे हैं 4000, बजटेड यानी स्टैंडर्ड, और बजटेड क्वांटिटी आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, ये आपको दे रखी है 800, ओके। तो अब आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आ गई, 5 रुपी पर यूनिट, ओके। देन हमें इसमें निकालनी होती है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये दोनों चीज़ें पहले निकाल ही लेनी चाहिए क्योंकि ये पूरे क्वेश्चन में आपके काम आएंगी। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी दे रखी है, जो हमने अभी निकाली, स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने निकाली है ये 5 रुपीज, और एक्चुअल क्वांटिटी क्वेश्चन में दे रखी है 850, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आएगा 4250 रुपीज, ठीक है। तो ये दो डेटा जो है वो आपके सॉल्व हो गए। अब अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी अभी अपन कर रहे हैं, पहला जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस, जिसका आपका फॉर्मूला है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, और टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट आपने यहाँ निकाली है ये है 4250, और टोटल एक्चुअल कॉस्ट यानी AFO, टोटल एक्चुअल कॉस्ट और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड एक ही बात है, तो AFO तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, AFO कितना दे रखा है 3800, तो 4250 में से 3800 को आप लेस कर दीजिए, ये आपका आएगा 450, प्लस का आ रहा है इसलिए ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा फेवरेबल, ये आपका
फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस जो है वो निकला है और ये 450 फेवरेबल है। नंबर टू वेरिएंस की बात करते हैं। नंबर टू है आपका फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। देखो ये फॉर्मूले तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। इसका जो आपका फॉर्मूला है वो है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, BFO माइनस AFO। AFO अपन ने ऊपर भी यूज किया था। BFO यानी बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, ये देखिए क्वेश्चन में आपको कितने दे रखे हैं, ये आपको दे रखे हैं 4000, और AFO एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड ये अपने ऊपर वाले 3800। तो 4000 में से 3800 आपके लेस हो जाएंगे तो ये आपके बचेंगे 200, और प्लस में आ रहे हैं इसलिए आंसर क्या कहलाएगा, फेवरेबल कहलाएगा। ये आपका आ गया फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ठीक है, थर्ड अपन लेते हैं फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम मतलब ये क्वांटिटी के लिए बताएगा आपको फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला स्टैंडर्ड कॉस्ट ब्रैकेट एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी। सही है, ये इसका फॉर्मूला है आपका। स्टैंड कॉस्ट तो हमने ऊपर निकाली है, ये रही स्टैंड कॉस्ट 5 रुपीज, है ना, ये तो आ गई 5। एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी आपकी अपन ने पहले भी यूज की थी, ये एक्चुअल क्वांटिटी 850। और बजटेड क्वांटिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है 800, ये भी हमने पहले यूज की थी, ये बजटेड क्वांटिटी यहाँ यूज की थी। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 850 माइनस 850, 15 × 5 दैट इज 250, और आंसर क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए फेवरेबल। ये आपका हो गया थर्ड वेरिएंस। नंबर फोर्थ है आपका फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, इसका आपका फॉर्मूला है SC स्टैंड कॉस्ट एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये इसका फॉर्मूला है। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने का भी आपका एक फॉर्मूला है कि ये जो बजटेड क्वांटिटी है ये बजटेड आवर्स पर है तो बताओ एक्चुअल आवर्स पर कितना होगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो पहले यही निकाल लेते हैं। सही है, ये तो एक अलग से वर्किंग हो गई एक तरीके से, है ना। तो बजटेड क्वांटिटी कितनी है, बजटेड क्वांटिटी आपकी 800 अपॉन बजटेड आवर्स कितने हैं, दैट इज 8000 इनटू एक्चुअल आवर्स कितने दे रखे हैं 8600। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 860, ये SQ निकल गया। अच्छा, स्टैंड कॉस्ट ऊपर भी काम आई थी, स्टैंड कॉस्ट है 5, एक्चुअल क्वांटिटी ऊपर काम आई थी 850, और स्टैंड क्वांटिटी अभी हमने कैलकुलेट कर ली दैट इज 860। तो 850 में से 860 गया तो माइनस का 10 × 5 तो माइनस का 50 आ रहा है, माइनस आ रहा है तो अब इसको एडवर्स लिखना पड़ेगा, तो ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे ए का मतलब हो गया आपका एडवर्स। नाउ फिफ्थ नंबर का वेरिएंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, इसका आपका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट ब्रैकेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड बजटेड क्वांटिटी, क्योंकि डेज की इंफॉर्मेशन दे रखी है इसलिए रेगुलर फॉर्मूला नहीं लगेगा, स्पेशल फॉर्मूला लगेगा रिवाइज्ड बजटेड क्वांटिटी का। और रिवाइज्ड बजटेड क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए आपका फॉर्मूला है कि ये जो बजटेड क्वांटिटी है ये तो बजटेड डेज से निकली है, अगर ये एक्चुअल डेज से होती तो आपका आंसर क्या होता। सही है, तो ये स्पेशल फॉर्मूला है क्योंकि डेज की इंफॉर्मेशन गिवन है, दैट्स वाई यहाँ RBQ स्पेशल फॉर्मूला लग रहा है। तो स्टैंड कॉस्ट तो आपने कैलकुलेट की ही थी 5, स्टैंड क्वांटिटी अभी आपने ऊपर वाले फॉर्मूले में कैलकुलेट की है 860, RBQ हम कैलकुलेट कर लेते हैं। बजटेड क्वांटिटी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, देखिए 800, ये बजटेड डेज यानी 20 डेज में है तो बताओ एक्चुअल डेज 22 डेज में कितनी होगी, ये डेज की इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये आपका आ गया 880, ये 880 आपका यहाँ आ जाएगा। तो 860
माइनस 880, माइनस का 20 इंटू 5 तो माइनस का 100, तो इसे लिखेंगे 100 एडवर्स। एडवर्स का मतलब ही माइनस हो गया, ये आपका हो गया फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। नाउ अब ध्यान देने की बात ये है कि जब भी डेज की इंफॉर्मेशन होगी तो यहाँ बजटेड क्वांटिटी की जगह रिवाइज बजटेड क्वांटिटी आ गया, और डेज के कारण एक एक्स्ट्रा वेरियंस आपको और कैलकुलेट करना पड़ेगा। दिस इज वेरियंस नंबर 6, दिस इज फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस, और इसका फॉर्मूला है आपका SC सैंक कॉस्ट रिवाइज बजटेड क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी। ठीक है, तो सैंक कॉस्ट हमने निकाली है 5, रिवाइज बजटेड क्वांटिटी अभी अभी ऊपर निकाली है री RBQ 880, और बजटेड क्वांटिटी क्वेश्चन में गिवन ही है 800, तो ये आपका आ रहा है 400 फेवरेबल। तो इस तरीके से वैसे तो 5 ही वेरिएंस होते हैं, बट डेज होने के कारण, क्योंकि डेज क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए एक तो ये चेंज आ गया RBQ आ गया, और एक एक्स्ट्रा वेरिएंस ही आ गया। ये एक एक्स्ट्रा वेरिएंस कैलकुलेट करना पड़ा है, ये किसके कारण कैलकुलेट करना पड़ा, डेज के कारण, अदरवाइज ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें भी आप एक वेरिफिकेशन भी जो है याद कर सकते हैं, जिससे कि आपका आंसर जो है टैली हो जाएगा। वेरिफिकेशन क्या है कि फर्स्ट जो आंसर है, फर्स्ट फॉर्मूला जो है वो सेकंड और थर्ड के हमेशा बराबर होगा, और जो थर्ड फॉर्मूला है वो हमेशा 4, 5 और 6 के बराबर होगा। तो कभी भी आपको आंसर चेक करना हो कि फर्स्ट आंसर जो है वो सेकंड और थर्ड के बराबर होगा, अपन चेक भी कर सकते हैं। सेकंड था 200 और ये था 250, 200 एंड 250, 450 चेक कर लो, फर्स्ट का आंसर 450 है। इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। ओके, थैंक यू।